रायबरेली के महराजगंज विकासखंड में बैठे उच्चाधिकारियों की उदासीनता और खाव कमान नीति के चलते पात्रों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते गरीब पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आपको बता दें कि महराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पूरे गरीब मजरे अतरहता गांव निवासी राजकुमार पुत्र राम लखन ने बताया कि कई वर्षों से वह अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रहकर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, परंतु इस बार की लगातार बारिश में उसका पूरा कच्चा मकान ढह गया। अब यह गरीब परिवार अपने पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस गरीब ने बताया कि इसके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है और ना कोई संसाधन जिसके सहारे परिवार का भरण पोषण कर सके। इस गरीब परिवार का मजदूरी ही एकमात्र सहारा है, जिसके बलबूते किसी तरह परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है। विकासखंड में बैठे उच्चाधिकारियों की उदासीनता व खाव कमान नीति के चलते लंबी पहुंच वाले अपात्रों को तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है, परंतु पात्रों को आज भी प्रधानमंत्री आवास की दरकार है। इस गरीब परिवार ने कई बार ग्राम प्रधान से लेकर उच्चाधिकारियों से आवास के लिए गुहार लगाई, परंतु आवास नहीं मिला, मिला तो सिर्फ आश्वासन। वही मामले में खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया है कि राजकुमार पुत्र राम लखन का नाम अतिरिक्त पात्रता सूची में है, जैसे ही लक्ष्य आएगा उसे आवास मुहैया कराया जाएगा। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। क्या नाम है भैया तुम्हारा? राजकुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पूरे करीब मजरेटा पोस्ट महाराज जिला रावली। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमारी ये भाई साहब, हमारा मकान पूरा गिर गया है जी। प्रधान जी के पास गए तो प्रधान जी कह रहे अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। मैं तहसील भी गया हूँ जी, उनके पास जो भी अपने अधिकारी हैं उनसे भी बात करी हमने, तो कह रहे भैया अभी कोई सुनवाई नहीं है जी। जब आएगी कल जब मिलेगी आपको, और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हमारे दो, मिसेज हमारी जी वो भी प्रेगनेंट हैं, रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, ना हमारे पास खेत है ना कोई ज़मीन है, घर घर है सिर्फ, कमाता खाता हूँ, झाड़ी करता हूँ पढ़ रही।